हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी, कोथिंबीर वड़ी रेसिपी। तो दोस्तों, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आपको हर जगह धनिया मार्केट में देखने को मिलता है, और इसे देखने के बाद आपका मन करता होगा कि धनिया की कुछ स्पेशल रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो ये रेसिपी आपके लिए है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है कोरिएंडर लीव्स। तो लगभग एक जो बड़ी गड्डी होती है उसमें से आधी गड्डी हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो जो पिछले वाला हिस्सा है उसे हमें कट कर लेना है और इसे साइड में कर लेंगे, इसका यूज़ हमें नहीं करना है। तो इसे जो है आप मसाले में पीस के अपने कोई भी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद जो भी हमारे कोरिएंडर लीव्स है उसे हम पानी के साथ एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो पत्तों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसे एक कॉटन के कपड़े पे ऐड करेंगे या रख देंगे, या फिर कोई टॉवेल अच्छा सा साफ वाला लेकर आपको इसे ड्राई कर लेना है। तो इसे अच्छे से हमने पोंछ के ड्राई कर लिया है। इसके बाद हमने इसे 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे सुखा लिया था। सुखाने के बाद हम इसे इस प्रकार से कट करेंगे। तो धनिया को अच्छे से आपको इस प्रकार से कट कर लेना है। तो धनिया को कट करने के बाद हम इसे मेजर कर लेंगे। मेजर करने से आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसे मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से एक कटोरी का यूज़ किया है। इस कटोरी से हमने जो भी धनिया कटिंग करके रखा था उसे मेजर कर लेंगे। तो लगभग एक कटोरी हमने यहाँ पे धनिया ऐड कर दिया है और बचा हुआ सारा धनिया इसमें ऐड करेंगे। तो ये आधा कटोरी फिर से हमने धनिया इसमें ऐड किया है। तो लगभग डेढ़ कटोरी हमने यहाँ पे धनिया यूज़ किया है। उसी के साथ यहाँ पे ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद तिल यानी वाइट वाले तिल, साथ ही में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब चावल का आटा। उसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब तीखा मसाला, साथ ही में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, साथ ही में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम गर्म मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे यहाँ पर नमक। उसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम अजवाइन। अजवाइन को हाथों पे लेके क्रश करके ऐड करेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है बेसन का आटा। जिस कटोरी से हमने धनिया पत्ते को मेजर किया था उसी से हम आटा को भी मेजर करेंगे। तो लगभग एक कटोरी से थोड़ा सा कम हमें यहाँ पर बेसन का आटा लेना है। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 150 ग्राम हमने यहाँ पर बेसन का आटा यूज़ किया। अब साथ ही में लेंगे एक मिक्सर का जार जिसमें हम ऐड करेंगे 4 ग्रीन चिली। तो हरी मिर्ची ऐड कर दी है, साथ ही में ऐड करेंगे 5-6 लहसुन की कलियाँ। उसी के साथ ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब जीरा, 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो पेस्ट बन चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस पेस्ट को जो है हम बैटर में डाल देंगे, जो भी हमने धनिया का बैटर बनाया है। इसमें ऐड करने के बाद जो है हम हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे 1 टीस्पून के करीब, ताकि आटा जो है हमारे हाथों के चिपके ना, और इसे अच्छे से मसल कर एक इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। तो इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। शुरुआत में आपको लगेगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे गूंथते जाओगे ये बिल्कुल परफेक्ट गूंथ के रेडी होता है। इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। आप चाहे तो इस प्रकार से इसका डो बना के इसको भी स्टीम करके इसकी वड़ी बना सकते हैं। महाराष्ट्र में कुछ इस प्रकार से ही इसका रोल बना के वड़ी बनाई जाती है, लेकिन आज हम थोड़ी सी अलग टाइप से इसे वड़ी बना के तैयार करेंगे। तो कोई भी कुकर का डब्बा लेके आपको ऑयल से ग्रीस कर लेना है और जो भी हमने डो बनाया है उसे इस प्रकार से उसके अंदर स्टफ कर लेना है। तो अच्छे से हमने इसमें इसे सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम लेंगे एक कढ़ाई जिसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े ग्लास पानी, लगभग 400 से 500 ml आपको यहाँ पे पानी ऐड करना है। साथ ही में ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन का टुकड़ा, ताकि हमारा बर्तन काला ना पड़े। एक अंदर हमने रिंग रख दी है, कोई भी स्टैंड रखना है उसके ऊपर बर्तन रख देंगे। कोई भी अच्छा सा ढक्कन लगाकर हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम जो है आपका मीडियम रखना है आपको। तो 20 से 25 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, हम इसे साइड में निकाल लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। अब इस प्रकार से आपको इसे कटिंग कर लेना है। वड़ी बनके तैयार हो चुकी है, ठंडी होने के बाद आपको इस प्रकार से कट करनी है। इसके बाद हमने साइड में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आपको वड़ी को फ्राई कर लेना है। तो एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने इसे पलट दिया है। हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद इसे पलटी कर लेंगे और दोनों साइड से
यही कलर आने तक फ्राई करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके का कलर आने के बाद हम इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे। फ्राई करने में ये बहुत ही आसान होती है, फटाफट से हो जाती है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। टोमेटो सॉस के साथ इसे आप सर्विंग कर सकते हैं। बहुत ही फेमस रेसिपी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।